हमारे विपक्ष के लोग इतने सुनियोजित ढंग से घात लगा करके षड्यंत्र रचते हैं और हम लोग जैसे झारखंडी लोग, आदिवासी समुदाय के लोग उनके इनके इस षड्यंत्र को कभी कभी समझ पाने में पीछे हो जाते हैं। नतीजतन मुझे अभी 5 महीने का जेल का भी दृश्य देखने को मौका मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राको साइया मार सके ना कोई, कितना षड्यंत्र करेगा। तो हमें उनसे और ऐसे चीजों से ना कभी डर लगा था, ना डर है, ना कभी डर लगेगा कि इस राज्य के नौजवानों के, इस देश के नौजवानों के हक अधिकार को छीन लो। वो सोच, वो नीति हमारी नहीं है। आज हमारे विपक्ष के नेतृत्व की सरकारें देश में क्या व्यवस्था ला रही है, हर एक चीज निजीकरण की ओर जा रही है। कॉरपोरेट के हाथों सारी चीजें सौंपी जा रही है। नतीजा, नौकरियां खत्म हो रही हैं। आज आप लोग शिक्षित लोग हैं, शिक्षक हैं, बहुत सारे सूचनाएं आप तक आती हैं। आप कंपैरिजन चार्ट निकाल के देखिएगा कि देश के बड़े बड़े उद्योगों ने देश के खजानों के पैसे किसने सबसे अधिक लिया और उसके एवज में किसने कितने रोजगारें दिए, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा जिसने सबसे अधिक पैसा लिया है उसने सबसे कम रोजगार दिया है और जिसने सबसे कम पैसा लिया उसने सबसे अधिक। जिस परिसर में आज हम लोग ये काम कर रहे हैं, आज ये नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, ये प्रभात तारा मैदान है, ये HEC का ये मैदान है। HEC वो उद्योग है जिसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। आज इस उद्योग के बदौलत पूरे देश में नहीं, अलग अलग दुनिया में भी उद्योग स्थापित हुई। लेकिन आज इसकी हालत क्या है देख लीजिए। मुझे जो लगता है जब ये उद्योग बना होगा उस समय 25-30 हजार से कम लोग नहीं काम करता था यहां पर, लेकिन आज की स्थिति 10-11 हजार भी आदमी है कि नहीं है ये भी बड़ा मुश्किल है। और उनको भी तनख्वाह कितने वर्षों में मिलता है कि नहीं मिलता है, आए दिन बेचारे सड़कों पर उतरे रहते हैं। इस उद्योग को बचाने का काम किसका है? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है और राज्य सरकार के क्षमता के भी बाहर है। हां, ये बात जरूर है, अगर HEC भारत सरकार झारखंड राज्य को सपोर्ट कर दे तो HEC में जिस तरीके से 32 हजार लोग यहां रोजगार करते हैं उतना लोग फिर से इस HEC परिसर में रोजगार करते हुए आपको दिखेंगे। हमसे अधिक लंबे समय तक तो इन लोगों ने इस राज्य में राज किया और मैं इनको चुनौती देता हूं इसी प्रभात तारा मैदान में आकर के हमसे डिबेट कर ले इन लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया और इस चुनौती भरे 5 साल में हमने क्या किया है, उनको हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं।